फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। मैं आशुतोष पांडे आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है अनुच्छेद एक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनुच्छेद एक के बारे में। अनुच्छेद एक है क्या, तो चलिए अनुच्छेद एक जानने से पहले हम समझ लेते हैं अनुच्छेदों के बारे में। देखिए अनुच्छेद जो होते हैं वो आर्टिकल होते हैं संविधान को, वो आर्टिकल होते हैं संविधान को। कितने चैप्टर में बांटा गया उनको, उनका एक नंबर दिया जाता है आर्टिकल। इसी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है आर्टिकल 1 है, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों अनुच्छेदों के बारे में पढ़े, क्यों आर्टिकलों के बारे में पढ़े, क्यों एक्ट के बारे में पढ़े। वो सोचते जब हमें भाई जुडिशियल लाइन में जाना ही नहीं है, पीसीएस करना ही नहीं है, यूपीएससी करना ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े। नहीं, ये गलत आप सोचते हैं। आपका पढ़ना मूल कर्तव्य है, ठीक है। एक विद्यार्थी का पढ़ना मूल कर्तव्य है। और भारतवर्ष देशवर्ष का नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा भी मूल कर्तव्य बनता है और आपका भी मूल कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की नॉलेज रखें। जैसे हम अपने क्या कहते हैं पूर्वजों के बारे में नॉलेज रखते हैं, कि अपने माता पिता के बारे में नॉलेज रखते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके हमें इस काबिल बनाया है या इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस तरीके से हमारा भी भाई कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्या कहते हैं भारत के अनुच्छेदों के बारे में, भारत के आर्टिकल के बारे में, भारत की इतिहासों के बारे में, राजनीतिक के बारे में, इकाइयों के बारे में, इन सब के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। क्योंकि देखिए जो है छात्र ही क्या कहते हैं कल का भविष्य है। जो छात्र है आज का छात्र वो कल का भविष्य है, ठीक है। तो इसलिए इसी हिसाब से अपने भविष्य को खराब मत होने दीजिए, खुद जागिए, खुद उठिए और खुद पढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, मैंने आपको बोला भारत के राज्यों का संघ, मैंने बता दिया। अब इसमें सबसे प्रथम टॉपिक हमारा है देश का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम कौन सा है। तो मैं आपको शॉर्ट बता दूं, ऑफिशियल नेम दो है, इंडिया अर्थात भारत, ये तो हमारे ऑफिशियल नेम है। बाकी जो आर्यावर्त भारत, जम्मू द्वीप आर्यावर्त, भारत खंड, हिंदुस्तान, ये सब अनऑफिशियल नेम है। आपको समझ में आ गया होगा ऑफिशियल नेम जो है हमारे दो है, इंडिया और भारत है, बाकी सब अनऑफिशियल नेम है। देखिए भारत एक अविभाज्य संघ है जिसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। भारत एक अविभाज्य संघ है, मगर इसके घटक विभाज्य है। अब इसके जो घटक है वो विभाज्य है भाई, आप ये समझ जाए। अब मैं आपको एक मोस्ट एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अमेरिका में उलट पलट व्यवस्था जहाँ पे संघ क्या कहते हैं संघवाद राज्य, जिसे संघवाद राज्य के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में 50 राज्यों ने परस्पर समझौता करके एक संघ का निर्माण किया है, या यूनाइटेड स्टेट का निर्माण किया है। 50 राज्यों ने परस्पर समझौता करके, काले और गोरे का भेद करके भाई, उनमें समझौता करके, भेद जो था उन भेदों में समझौता करके और तमाम नीतियों पर समझौता करके एक संघ का निर्माण किया है। देखिए अंग्रेजों का भारत पर कब्जा, मैं आपको बताता हूँ जब अंग्रेजों का आगमन हुआ हमारे भारत में तो कितनी इकाइयां, राजनीतिक इकाइयां बनी थी, ठीक है। किस हिसाब से वो चला रहे थे देश को, ये देखिए। अब जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने अपने भारत को दो विभाग, दो भागों में बांट दिया, दो भागों में, और तीसरा एक बाद में बांटा था वो, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उन्होंने दो भागों में बांट दिया। अब देखिए दो भागों में जो बांटा, पहले भाग का उन्होंने नाम दिया येलो इंडिया, क्या पहले भाग का उन्होंने जो नाम दिया वो येलो इंडिया दिया, दूसरे भाग का नाम रेड इंडिया, और तीसरे का क्या कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, कमिश्नरी सर्कल उन्होंने उसका नाम दिया। देखिए क्या कहते हैं येलो इंडिया क्या था, येलो इंडिया जो था वो ब्रिटिश राज्य जहां उनका डायरेक्ट रूल चलता था, गवर्नर की नियुक्ति होती थी, गवर्नर को बिठाए रहते थे अपना डायरेक्ट राज चलाने के लिए, ठीक। अब दूसरा देखिए रेड इंडिया जो था उनका क्या था, वो इनडायरेक्ट तरीके से वहां पे उनका रूल चलता था, वहां पे राजा राज करते थे, जो थे राजा भाई वहां पे राजा राज करते थे, मगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनका ही रूल चलता था। देखिए मैंने क्या बताया, येलो इंडिया में उनका डायरेक्ट रूल चलता था और यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से उनका काम चलता था, मगर काम चलता था दोनों जगह से। अब देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमिश्नरी। देखिए कुछ जो थे ये हमारे जो येलो इंडिया जो था हमारा, जिसको ब्रिटिश राज बोलते हैं, वो काफी इनका क्षेत्रफल बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नरों की नियुक्ति की गई। उससे छोटा जो था, जहाँ इनको भाई उन्होंने सोचा कि हर जगह तो गवर्नर की नियुक्ति कर नहीं सकते गवर्नर की हम, तो इन्होंने डायरेक्ट जो क्या कहते हैं रेड इंडिया जो था, अपनी देसी रियासत है जिनको बोले, इसको हम ब्रिटिश राज बोलेंगे, रेड इंडिया देसी रियासत है। देसी रियासतों में उन्होंने क्या किया, राजाओं के थ्रू राज, भाई राजा ही राज कर रहे हैं, मगर चल रही है जो शाखा, जो भाई राजनीति की इकाइयां चल रही है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रही है, ठीक है। अब कमिश्नरी क्षेत्र वो क्षेत्र था जो कि ना कि ब्रिटिश राज कितना बड़ा था और ना ही देसी रियासतों कितना मध्यम, मतलब संपन्न था, वो काफी औदा उनका गरीबी स्तर से पे था,
कुछ ऐसे राज्य जो गरीबी स्तर पे थे और वो उतने बड़े होने के नाते ना डेवलप कर सकते थे ना कुछ, तो वहां पर कमिश्नरी क्षेत्र बिठाएगी। यानी यू कहे भारत को पूरी तरीके से घेर लिया गया था, पूरी तरीके से घेर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए 1947 आजादी के बाद भारत में राजनीतिक इकाइयां कितनी थी? 1947 के बाद भारत में राजनीतिक इकाइयां जो थी वो 4 इकाइयां थी। ठीक है, मैं आपको बताऊँ 4। देखिए ब्रिटिश राज में 3 थी, कौन सा था? एक था अपना क्या कहते हैं ब्रिटिश राज्य, देशी रियासतें, कमिश्नरी, ये 3 थी। अब यहाँ पर देखिए संशोधन कर चौथी रियासत क्या चौथी इकाइयां बना ली गई। अब मैं आपको बता दूँ कौन सी चौथी, ब्रिटिश राज्य पहला मैंने बताया ब्रिटिश राज, जहाँ उनका डायरेक्ट रूल चल रहा है, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट रूल चल रहा है वो है ब्रिटिश राज, और इनडायरेक्ट रूल का देसी रियासत है। इनडायरेक्ट रूल समझ जाइए मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरे पिताजी हैं, अब उनका रूल उनके ऑर्डर को मुझे मानना पड़ता है, तो मैं क्या देसी रियासत हो गया, और मेरे पिताजी जो है वो क्या कहते हैं ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज वहां पे हम डायरेक्ट रूल, वो डायरेक्ट रूल चलाएंगे घर पे, और मुझे किसी को कहना पड़ता तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से भाई कहूंगा, वो मुझे इनडायरेक्ट तरीके से कहेंगे। ठीक है, आयोग समझ गए। अब पूर्व कमिश्नरी समझ लीजिए, घर का सबसे छोटा सदस्य, घर का सबसे छोटा सदस्य जिसको जो कि भाई सबका प्यारा भी है और सबसे ज्यादा बदमाशी भी करता है, शरारते भी करता है, वो है पूर्व कमिश्नरी। अब सो अर्जित क्षेत्र, आपने घर के बुजुर्गों को मान लिया कि एक क्षेत्र उनको दे दिया गया कि आप ये बैठिए खाइए पिए, को जो सेवा चाहिए वो हमसे लीजिए, वो स्वर्जित क्षेत्र हो गया। अब स्वर्जित क्षेत्र में अंडमान निकोबार आ गया हमारा। ब्रिटिश राज में 10 सर्कल, 10 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 10 राज्य। तहसील रियासतों में 9 राज्य, पूर्व कमिश्नरी में 9 राज्य, और इसमें एक अंडमान निकोबार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए संविधान, अब इसी बीच जब ये हमारा यहाँ पे इकाइयां बनी, इसी बीच संविधान सभा कार्य कर रही थी, उसमें जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिया। और किस बात पे आंदोलन चालू किया? अपनी भाषा के आधार पर, क्योंकि वहां पे मलयालम, कन्नड़, तमिल ये सब बोले, तेलुगु भाषी लोगों ने कहा कि हमारी भाषाओं को इस राज्य में इस देश के क्या देश में क्या कहते हैं मान्यता नहीं दी जाती, हमें एक अलग राज्य किया जाए। जिस राज्य में तो भाई उनको एक अलग राज्य चाहिए था, क्योंकि उनकी भाषाओं को मान्यता वहां नहीं दी जा रही, तो उन्होंने कहा हमारी भाषाओं को मान्यता नहीं दी जा रही है, हमें एक अलग राज्य किया जाए। इन्होंने किससे हुआ कि संविधान सभा की, उसी में संविधान सभा कार्य कर रही थी जब इन्होंने आंदोलन मान्यता न देने पे बात की, तो वहां पर किसकी समिति बैठी? देखिए ये हमारा ये सब हो गया टॉपिक, वहां पर समिति बैठक, वहां पे एक समिति बैठाई गई जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? एक समिति बैठाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए AK धस साहब, जो कि एक्स जज थे, इलाहाबाद एक्स जज थे। ठीक है, उनको वहां पे समिति बिठाई गई, संविधान सभा द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। अब देखिए इसके सदस्य कौन थे? JN लाल तथा पन्नेलाल। JN लाल तथा पन्नेलाल इसके सदस्य थे, जो कमिटी बैठाई AK धर आयोग था, AK धर आयोग में क्या कहते हैं हमारे AK धर साहब थे, जो तो जस्ट हैं भाई, इलाहाबाद के जस्ट हैं, और क्या कहते हैं संविधान सभा द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी, JN लाल तथा पन्नालाल इसके सदस्य थे। ठीक, अब देखिए नई समिति जो क्या कहते हैं, अब इसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अब देखिए उसमें क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे पृथक राज्य मानने की बात कही। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे मान लिया कि भाई चलो हाँ ये सही है, और उन्होंने क्यों माना? उन्होंने कहा कि भाई एक SC के लिए एक अलग राज्य, उन्होंने इसलिए कहा था एक SC ST के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, OBC के लिए एक अलग होना चाहिए, और जनरल के लिए एक अलग। तो इसमें जो AK धर साहब थे उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा अगर मैं भाषा और जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अगर मैं देश को राज्यों में बांट दूं तो देश के बंटवारे हो जाएंगे भाई, ये भी तो हमारा जो मैंने बोला अविभाज्य जो है भारत का विभाज्य संघ, ये विभाज्य रही नहीं जाएगा तो विभाज्य हो जाएगा भाई। यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे जब बांट दिए जाएंगे राज्यों को, तो ये एक ऐसा राज्य बनेगा कि ये जनरल का राज्य है, यहाँ पे जनरल के लोग रहते हैं, ये OBC का है तो यहाँ पे OBC का रहते हैं, ये तेलुगु भाषी लोगों का, ये क्या कहते हैं मलयालम भाषी लोगों का है, ये कन्नड़ भाषी लोगों का, ये गुजराती भाषी भाई जो भाषा बोलते हैं उनका, ये राजस्थानी लोगों का, इस हिसाब से बांटे तो बढ़ जाएगा भाई। अब देखिए तो उन्होंने वहां पर ये बात कही, और उनकी मांग जो थी इसी यही बात को कह के उन्होंने AK धर साहब ने ये मांग को अस्वीकृत कर दी, कहा मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, वो खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद आंदोलन बढ़ा, मांग भी बढ़ी भाई, जो थे वहां पे भाई उनके जो तेलुगु भाषी जो लीडर थे भाई, तेलुगु लोगों के जो लीडर थे उन्होंने आंदोलन जारी रखा अपना, उन्होंने बैठा नहीं, वो आंदोलन जारी रखे। अब देखिए आंदोलन जारी रखने के बाद 1948 में क्या कहते हैं इनकी सभा बैठी थी, और उसके ठीक एक साल बाद 1949 में कांग्रेस का जयपुर में सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे दो लीडर उनके
में दो लीडर प्रमुख थे, दो लीडर ने एक समिति बैठाई थी। कांग्रेस का जयपुर में सम्मेलन हुआ था, जब वो जयपुर गए तो इन भाई तेलुगु भाषी लोग भी वहां पर भाई पहुंचे, अपनी बातें रखी सरकार के समक्ष, तो उन्होंने कांग्रेस में उनको वचन दिया भाई, उनको या उनको विश्वास दिया, आश्वासना दी कि मैं तुम्हें कि मैं जो हूँ इस पर एक जांच बैठाऊंगा, जांच बैठाने के बाद एक समिति बैठा के इसको निर्णय किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही, उन्होंने एक समिति बैठाई, एक नई समिति बैठाई। ठीक है, क्योंकि 1948 में एक धर साहब ने तो इसे खारिज कर दिया था, फिर उन्होंने एक नई समिति बैठाई जिस समिति को जेवीपी नाम दिया गया, उस समिति के जेवीपी नाम दिया गया था। अब देखिए इसके दो लीडर थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटियाली मैया थी, पटियाली पटियाली सीता मैया थी। इसकी अब इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई, कांग्रेस के जयपुर सत्र नियुक्ति थी। अब इसमें नियुक्ति देखिए क्या थी, कांग्रेस के जयपुर सत्र में नियुक्ति हुई थी इसकी। ठीक है, कांग्रेस के जयपुर सत्र में नियुक्ति थी, मांग स्वीकृत, मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया, जो मांग थी उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई कांग्रेस के थ्रू थी, गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब जब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इनकी नियुक्ति हुई थी तो मांग को स्वीकृत कर गया। अब तेलुगु जब इनकी मांग को देखिए स्वीकृत कर लिया गया, अब इसी बीच भूख हड़ताल, ठीक है, सॉरी स्वीकृत कर रहा हूँ, अस्वीकृत अस्वीकृत कर दिया गया था, मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। जेबीपी में भी इनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब देखिए अस्वीकृत करने के बाद जो थे हमारे तेलुगु नेता वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। कुछ तेलुगु नेता थे जैसे पीएसए मलु हो गए, वहां के भाई माने जाने नेता थे, तेलुगु लोगों के माने जाने नेता थे पीएसए मलु हो गए। इन्होंने क्या कहा, क्या कहा छोड़िए, इन्होंने 1992 में आंदोलन पे बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद आंदोलन में तो आग पकड़नी थी, लाजमी थी, आंदोलन में आग पकड़ी, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाने लगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी चालू हो गई थी, संविधान को नष्ट करने की बात आ गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें जब ऐसी बात आ गई तो अब उसी वक्त तुरंत वहां की अध्यक्षता लेते हुए हमारे फजल अली की अध्यक्षता में, हमारे जो फजल अली थे इनकी 1953 में, यहाँ पे मैंने आपको बताया 1949 में, यहाँ पे 1952 में खार हुआ इनका खारिज, जब वो मरे उनके मरने के ठीक एक साल आंदोलन बाद किया 1953 में, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पुनः फिर एक समिति बैठाई गई। फिर समिति का राज्य का पूर्ण निर्माण, जिस समिति का नाम था राज्य का पूर्ण निर्माण, इसके सदस्य कौन थे, पन्नीकर कंजलू सदस्य थे इसके, भाई अध्यक्ष कौन थे, फजल अली अध्यक्ष थे और सदस्य थे पन्नीकर कंजलू सदस्य थे उनके। अब देखिए पूर्व के चार, अब इसमें क्या हुआ, इस समिति जो ये समिति बैठाई गई इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही आदेश हुआ, पूर्व के चार राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दो राजनीतिक इकाइयां बनाए। ठीक है, दो राजनीतिक इकाइयां बनाए, पूर्व के चार राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दो राजनीतिक इकाइयां बनाए, उनकी मांग स्वीकार कर ली गई। ठीक है, उनकी मांग स्वीकार, फजल अली की अध्यक्षता में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इनकी नियुक्ति हुई थी, फजल अली की अध्यक्षता में क्या कहते हैं इनकी मांग को स्वीकृत किया गया, इनकी मांग को स्वीकृत किया गया। उस समय भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित बने थे। 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था, 1953 में आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं राज्य का दर्जा मिला था। अब देखिए अब यहाँ पे एक और मोड़ आया, अन्य तब्दील लोग आंदोलन चालू कर दिए कि भाई जब तेलुगु लोगों की बात मानी जा सकती है तो हमारी कहीं नहीं मानी जा सकती, हम भी आंदोलन पे चलते हैं, चलो भाई आंदोलन पे। अब वहां पे अन्य तब्दील लोग भी थे, उन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिया। अब देश की आर्थिक देश में जो था एक भूचाल सा आने लगा कि भाई जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू हो गए, पहले तो हमने तेलुगु लोगों की समस्या को हल किया भाई इतने सालों बाद, आजादी के बाद 1947 में 1948 से चालू जो हुआ था वो क्या कहते 1953 में जाके तो भाई उनका समाधान हुआ, अब फिर जगह जगह धरना प्रदर्शन चालू हो गए। अब इसी भी देखिए क्या कहते हैं अन्य तब्दील, जब लोगों ने बात की तो अब ये किस हिसाब से भाषा के आधार पर संस्कृति के आधार पर राज्य की मांग करने लगे। अब इसी बीच जब था तो 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमीशन की बैठक हुई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बैठक हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि चार प्रकार के राज्यों को समाप्त कर संविधान में संशोधन किया गया, 7AA में संविधान में संशोधन कर दो राजनीतिक इकाइयां बनाई गई। ठीक है, दो राजनीतिक इकाइयां बनी,
मैंने आपको क्या बताया, एक स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट की कमीशन बैठाई गई, उसकी जब रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट है तो उसने कहा कि जो चार राज्य थे पहले से उनको उनका अस्तित्व क्या कहते हैं, उनका वर्गीकरण समाप्त कर, उनका वर्गीकरण समाप्त कर संविधान संविधान में 7AA संशोधन कर दो राजनीतिक इकाइयां बनाई गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ऐसी अमेजिंग नॉलेज के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।